नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के एरा में ऐसी दवाइयां अवेलेबल है जो कैंसर को बहुत अच्छी तरह और डीप तरीके से ट्रीट कर सकती है, बट एट द सेम टाइम इन दवाइयों के साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं। तो आज बात करते हैं हम टारगेटेड थेरेपी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जो हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमारे कई वीडियोस में देखा होगा कि हम विभिन्न कैंसर में टारगेटेड थेरेपीज की बात करते हैं कि ये इस पर्टिकुलर कैंसर को ट्रीट करने का अच्छा तरीका है। परंतु सो फार हमारे चैनल पे टारगेटेड थेरेपी के डिस्क्रिप्शन का एक सिंगल वीडियो नहीं था, एंड ऑन पॉपुलर डिमांड आज का वीडियो डिस्कस करेगा कि टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है, और कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे इस थेरेपी के बारे में पूछते हैं उन्हें आंसर करती है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो मुझसे कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि टारगेटेड थेरेपी क्या होती है। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि ये कोई स्पेशल तरह की लेजर बीम या रेडिएशन होती है जो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करती है। तो हालांकि इस तरह की रेडिएशन एग्जिस्ट करती है, ये टारगेटेड थेरेपी नहीं होती, जबकि इसको स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन बोला जाता है, जो एक अलग तरह के ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों टारगेटेड थेरेपी कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां यानी मेडिसिन है जो कैंसर पे एक अलग तरीके से हिट करती है। यदि हम पुरानी कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी की बात करें तो इन ट्रीटमेंट्स का कैंसर सेल पे थोड़ा असर तो होता है, परंतु उनके दो मेजर डिसएडवांटेज होते हैं। एक तो कीमोथेरेपी का बेनिफिट मेजॉरिटी ऑफ ट्यूमर्स में शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और फिर बेनिफिट खत्म हो जाता है। दूसरा, कीमोथेरेपी का बेनिफिट जो कैंसर सेल पे होता है साथ में नॉर्मल सेल पे भी उसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी का मतलब कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो उस फैक्टर पे काम करती है जो ट्यूमर सेल को नॉर्मल सेल से अलग करती है। तो इसका मतलब समझे कि कोई नॉर्मल सेल जब ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ जेनेटिक गड़बड़ियां होती है जो सेल को नॉर्मल सेल से डिफरेंशिएट करती है। तो यदि हम सिर्फ उन गड़बड़ियों को टारगेट करने वाली कोई दवाई बनाए तो इस थेरेपी को टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो चूंकि वो सिर्फ उन्हीं गड़बड़ियों पर एक्ट कर रहा है जो ट्यूमर सेल में है और नॉर्मल सेल में या तो नहीं है या बहुत कम लेवल पे है, इन थेरेपीज का बेनिफिट बहुत स्ट्रांग एंड डीप होता है और साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल होते हैं। इसलिए कई कैंसर्स का ट्रीटमेंट इन थेरेपीज ने रेवोल्यूशनाइज यानी कंप्लीटली चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फ्रीक्वेंटली हम क्लिनिक में डील करते हैं वो ये है कि क्या टारगेटेड थेरेपी एक ही ट्रीटमेंट को बोलते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। टारगेटेड थेरेपी बहुत अलग अलग डिफरेंट थेरेपीज की एक लिस्ट है। इस समय लगभग 100 से भी ज्यादा टारगेटेड थेरेपी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरह की टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। मोटा मोटा हम टारगेटेड थेरेपीज को दो मेन क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास ऑफ टारगेटेड थेरेपी को हम बोलते हैं बायोमार्कर डायरेक्टेड टारगेटेड थेरेपी। तो ये वो थेरेपीज है जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है देखने के लिए थेरेपी इस ट्यूमर में काम करेगी या नहीं करेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आज के एरा में लंग कैंसर है। लंग कैंसर में आज के एरा में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 6 या 7 डिफरेंट तरह की टारगेटेड थेरेपीज है जो लंग कैंसर में काम करती है और हर एक का अपना टेस्ट होता है। तो यदि लंग कैंसर का सब टाइप EGFR म्यूटेंट लंग कैंसर है जो कि करीब 25% लंग कैंसर होते हैं, तो उसके लिए एक तरह की टारगेटेड थेरेपी जो EGFR सेल को मारती है अवेलेबल है। यदि लंग कैंसर में दूसरी म्यूटेशन है जो ALK जीन को म्यूटेट करती है तो दूसरी तरह की टारगेटेड थेरेपी जो ALK वाले कैंसर को मारती है वो अवेलेबल है। परंतु EGFR वाले टारगेटेड थेरेपी ALK वाले सेल में काम नहीं करेगी और ALK वाले टारगेटेड थेरेपी EGFR वाले सेल में काम नहीं करेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके बायोमार्कर्स टेस्ट करें ताकि पता चले कि पेशेंट में कौन से टारगेटेड थेरेपी यूज कर सकते हैं और उसी का इस्तेमाल हो। जनरली बायोमार्कर ड्रिवन टारगेटेड थेरेपीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं, इनके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते और ट्यूमर सेल को बहुत ही अच्छी तरह ये सप्रेस करती है और ट्रीट करती है। तो ये थेरेपीज सबसे पावरफुल टारगेटेड थेरेपीज की कैटेगरी में आती है। दूसरी क्लास ऑफ थेरेपीज को हम बोलते हैं नॉन बायोमार्कर बेस्ड टारगेटेड थेरेपीज। ये वो टारगेटेड थेरेपी है जिसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं करना पड़ता और एक पर्टिकुलर ट्यूमर टाइप में बेस्ड ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स ये जाना गया है कि ये पेशेंट्स में काम करती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होती है एंजियोजेनिक एंटी एंजियोजेनिक टारगेटेड थेरेपीज। ये वो टारगेटेड थेरेपीज है जो ट्यूमर का ब्लड सप्लाई ब्लॉक करती है और जनरली यदि हम इनको किसी ट्यूमर में यूज करना चाहते हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, लिवर कैंसर, ओवेरियन कैंसर इत्यादि, तो हम कोई स्पेशल टेस्ट नहीं करते ये देखने के लिए कि ये थेरेपी इस ट्यूमर में स्पेसिफिक ट्यूमर में काम करेगी या नहीं करेगी। इन जनरल ये थेरेपीज बायोमार्कर ड्रिवन टारगेटेड थेरेपी से कम एक्टिव होती है, पर तब भी इनकी पॉजिटिव फीचर ये होते हैं इनके साइड इफेक्ट रिलेटिवली लो होते हैं और ट्यूमर कंट्रोल में ये हेल्प करती है
बट काफी बार इन थेरेपीज का बेनिफिट बायोमार्कर ड्रिवन टारगेटेड थेरेपीज से कम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे काफी कॉमनली पूछा जाता है कि टारगेटेड थेरेपी मुंह से खाने वाली थेरेपीज होती है या इंजेक्शन वाली थेरेपीज होती है। तो अगेन आउट ऑफ दोस 100 से ज्यादा थेरेपीज, कुछ थेरेपीज ऐसी है जो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कुछ थेरेपीज ऐसी है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। कभी कभी एक ही टारगेट के लिए टैबलेट भी अवेलेबल है और इंजेक्शन भी अवेलेबल है, और उनका यूज अलग अलग सेटिंग में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर से आप ये चीज कंसल्ट करें कि आपके पर्टिकुलर ट्यूमर में कौन सी टारगेटेड थेरेपी बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कॉमनली पूछा जाता है वो होता है कॉस्ट का। तो कई बार पेशेंट टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं बट उनको डाउट रहता है कि क्या ये उनके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। तो दोस्तों इसमें भी पॉजिटिव न्यूज है कि बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज जो पुराने जमाने में बहुत कॉस्टली होया करती थी उनका प्राइस ड्रामेटिकली फॉल हो चुका है, खासकर क्योंकि पुरानी थेरेपीज जो पहले पेटेंट के पीरियड में बड़ी महंगी होती थी उनका पेटेंट खत्म होने के बाद हमारे इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स ने उनकी मत सस्ती कॉपी बना ली है जो पेशेंट के काम आ रही है। तो मेजोरिटी ऑफ ओल्डर टारगेटेड थेरेपीज के रेट में बहुत कमी हुई है और एवरेज पेशेंट के लिए थेरेपीज अफोर्डेबल है। जो सबसे कॉमन और चीप टारगेटेड थेरेपीज है उनका खर्चा और करीब 2-3 हजार से लेके 30-40 हजार तक की रेंज में होता है, परंतु कुछ नई टारगेटेड थेरेपी जो अभी भी कंपनी के पेटेंट में है वो ज्यादा कॉस्टली होती है। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सी टारगेटेड थेरेपी पेशेंट में यूज करना चाहते हैं और उसका क्या बेनिफिट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि टारगेटेड थेरेपी में किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे एक बड़े कॉमन क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि सर कीमोथेरेपी से तो बाल झड़ जाते हैं और पेशेंट को बहुत कमजोरी हो जाती है, टारगेटेड थेरेपी से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका जवाब थोड़ा न्यूएंस्ड है। टारगेटेड थेरेपी की बहुत सारी अलग अलग ड्रग कैटेगरी है, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ टारगेटेड थेरेपीज में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और यूजली पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लंग कैंसर की बात करें तो यदि किसी लंग कैंसर पेशेंट को हम कीमोथेरेपी से ट्रीट करें तो उसमें थकान, टायर्डनेस, हेयर लॉस, डायरिया, किडनी पे जोर, नसों की कमजोरी इत्यादि हो सकती है, परंतु इसी पेशेंट को यदि हम EGFR वाली टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट करें तो देखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स को कुछ परसेंटेज को स्किन रैश होता है, कुछ परसेंटेज को डायरिया होता है और कुछ परसेंटेज के लिवर एंजाइम में थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी होती है, और मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट इस थेरेपी से ऑलमोस्ट 98% पेशेंट्स अपने थेरेपी कंटिन्यूअसली लेते हैं और किसी को भी साइड इफेक्ट की वजह से अपनी दवाई बंद नहीं करनी पड़ती। तो इसी तरह अन्य टारगेटेड थेरेपीज भी इन मेजोरिटी ऑफ केसेस नॉन टॉक्सिक होती है, पर कुछ टारगेटेड थेरेपीज ऑफकोर्स ऐसी है जिनमें साइड इफेक्ट भी हो सकता है जो कि सीरियस भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप यदि टारगेटेड थेरेपी ले भी रहे हैं तो एक क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही ले ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड या रेयर साइड इफेक्ट भी आए तो उसको कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अभी का ये वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग कैंसर में हम अलग अलग टारगेटेड थेरेपीज की बात करते हैं और उन इंडिविजुअल चैनल पर जाके आप उन टारगेटेड थेरेपीज के बारे में जान सकते हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं ये आप सीख सकते हैं। लोग हमारे चैनल के अभी मेंबर नहीं है, मैं उनको इनकरेज करता हूँ कि आप हमारा चैनल ज्वाइन करें। इसके आपको बेनिफिट ये है कि यदि आप कैंसर के टॉपिक में दिलचस्पी रखते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली कैंसर पर वीडियोस रिलीज करते रहते हैं जिनसे आपको इस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही हम पीरियोडिक पॉल्स इशू करते हैं जिससे आप खुद वोट कर सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। दोस्तों इस चैनल से हमारा गोल ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट पॉसिबल कैंसर ट्रीटमेंट हमारे अपने इंडियन पेशेंट्स को उनकी लैंग्वेज में मिले। और यदि इस वीडियो के बावजूद आपके कोई सवाल है जो पूरे नहीं हुए तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक्स और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चैनल से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपका आपको अपना जवाब जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। तो जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।